तो देखो बच्चों, इस वाले प्रॉब्लम को देखो, एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। ये कहता है कि बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या है कि ए व्हीकल इज मूविंग ऑन ए ओवर ब्रिज रोड, ठीक है ना। एक रोड है जो वो मतलब इस टाइप से है, ओवर ब्रिज है। ऑन आर का रेडियस कितना है? 10 मीटर। तो जो रेडियस है, ये जो आर्क है, तो इस जो सर्कल है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है, तो इस सर्कल की रेडियस जो है वो बेसिकली कितना है? तो इस रेडी ये जो है वो 10 मीटर है इस सर्कल का रेडियस। तो अगर इस सर्कल, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विच ए व्हीकल कैन मूव थ्रू द टॉप पॉइंट ऑन द ब्रिज? तो ये जो है टॉप पॉइंट ऑन द ब्रिज, वो यहाँ पे, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वो हमें निकालना है। तो मैक्सिमम स्पीड से हमें मुड़ना है ओवर ब्रिज विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द ब्रिज। मतलब यहाँ पे नॉर्मल जीरो ना हो, नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो नॉ जीरो मतलब यहाँ पे देखो, नॉर्मल फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे भाई? तो नॉर्मल जीरो ना हो तो कितनी मैक्सिमम स्पीड से मुड़ सकते हो? तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो सबसे पहले अगर मैं गिवन डेटा यहाँ पे लिख लूँ, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ 10 मीटर है। तो जी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? तो जी की वैल्यू लेनी है बच्चों, बेसिकली 10 ही लेना है, ऐसा बताया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है एक्सलेशन। तो मुझे कितनी मैक्सिमम स्पीड से मुड़ सकते हैं? तो ये देखो, एक अच्छा सा डायग्राम है, और ये डायग्राम आपको यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप बेसिक तरीके से, बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम को एनालिसिस कर सकते हो। तो ये जो रोड है, इस रोड पे अगर कोई मुड़ रहा है ओवर ब्रिज, तो सबसे पहले ये देखो, ऐसे प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड? तो कभी भी आर्क पे चलने के लिए, सर्कल पे चलने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में गाड़ी मुड़ रही है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल में जो है वो व्हीकिल क्या कर रही है? मुड़ रही है। तो ये सर्कल का सेंटर हो गया। तो सबसे पहले गाड़ी पे जो नॉर्मल है वो ऊपर लगेगा, टॉप पॉइंट है भाई। और अगर गाड़ी यहाँ होती तो नॉर्मल ऐसे लगता, और अगर गाड़ी यहाँ होती तो नॉर्मल ऐसे लगता, ठीक है ना। वो भी हम लोग किसी न किसी प्रॉब्लम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और EMG तो हमेशा पेपर और बोर्ड पे सीधी ही लगेगी। तो सर्कल है तो सेंटर ओ है, तो MG तो सीधी ही लगेगी। बस यही दोनों क्या कर रहे हैं, यही दो रियल फोर्स लग रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या इक्वेशन बताया था मैं? नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन अगर यहाँ कोई लिखने में सक्सेस हो गया, तो भाई वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो MG माइनस नॉर्मल इक्वल टू MV² r, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालना है, मतलब यहाँ कॉन्टैक्ट लूज न करे, तो यहाँ से नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी MG - MV² / r। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन है। अब ये कह रहा कि अगर गाड़ी जो व्हीकिल है वो कॉन्टैक्ट लूज नहीं करे, तो इस नॉर्मल की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है, जीरो से तो अधिक ही होगा नॉर्मल, तभी तो कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा भाई। तो अगर ये जीरो से अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि MG - MV² / r मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि MG मस्ट बी ग्रेटर देन MV² / r। तो MG ने MV को ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि V² मस्ट बी लेस देन ZR। तो यहाँ से जो V है उसकी वैल्यू ZR√ से कम होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो गाड़ी मुड़ेगी तो नॉर्मल अपना कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा। देख लेते हैं इस बी की वैल्यू कितनी आती है। जी की वैल्यू 10 है और ये 10 है अंडर रूट। तो वेलोसिटी यहाँ मुड़ने के लिए 10 m/s² से कम होगी, तो जब मुड़ेगा तो नॉर्मल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। तो अगर मैक्सिमम स्पीड से मुड़ता है, तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो 10 m/s है, बाकी सारी स्पीड 10 m/s से कम ही होगी। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, और इन्जॉय करो फिजिक्स को।